नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे आपका बच्चा घर में कम हलचल क्यों करता है। आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां करती हैं जिस वजह से कि आपका बच्चा घर में हलचल कम कर सकता है और आपके बच्चे के विकास पर असर पड़ सकता है। क्योंकि जब आपका बच्चा अच्छे से हलचल करता है तो आपके बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा हलचल कम करता है, ठीक से नहीं करता है, तो आपके बच्चे के विकास पर, वजन पर असर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। बाकी देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो नॉर्मली सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका बच्चा कब से हलचल करना स्टार्ट कर देता है। तो नॉर्मली आपका बच्चा चौथे महीने से और कुछ बच्चे पाँचवें महीने से हलचल करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर बच्चे प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने से हलचल करते हैं। अगर पहली प्रेगनेंसी है तो आपको पाँचवें महीने से बच्चे की हलचल महसूस होगी। उससे पहले बच्चा करता है लेकिन बहुत छोटा रहता है तो आपको समझ में नहीं आ पाती है। लेकिन आपका बच्चा नॉर्मली प्रेगनेंसी के 18वें सप्ताह से लेकर 20-22 सप्ताह तक हलचल करना शुरू कर देता है। बाकी अब बात करते हैं कि आपका बच्चा क्यों हलचल कम करता है, आपकी कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी हो सकती है हैवी डाइट लेना। अगर आप प्रेगनेंसी में एक साथ बैठ के बहुत सारा खाना खाती हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेती हैं तो इस समय आपका बच्चा हलचल कम करता है। क्योंकि देखो, बच्चे को हलचल करने के लिए जगह चाहिए होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेती है ना तो आपके पेट में बहुत सारे जगह भर जाते हैं, सारे जगह भर जाता है, तो आपके बच्चे को हलचल करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाते रहना है और ज़्यादा हैवी डाइट नहीं रखना है, यानी कि आपका डाइट संतुलित होना चाहिए। तो ऐसे में आपके बच्चे का विकास भी अच्छे से होता है, बच्चे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और आपके बच्चे का वजन भी बढ़ता है। इसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि आप ना हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं। अगर कोई महिला हेल्दी चीज़ें कम खाती हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खाना चाहती हैं, तो ऐसे में भी बच्चे के वजन पे असर पड़ता है, हलचल पे असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? देखो, क्योंकि बच्चे को हलचल करने के लिए ताकत चाहिए। अगर आप ढंग से नहीं खाएंगी, हेल्दी चीज़ें अपने बच्चे को नहीं देंगी, तो बच्चे के शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? बच्चा कमज़ोर रहेगा तो नॉर्मल सी बात है कि हलचल नहीं करेगा। इसलिए जितना हो सके हेल्दी चीज़ें लीजिए, क्योंकि देखो ज़्यादा खाने से बच्चे हलचल नहीं करते हैं। बच्चे हलचल तब करेंगे, बच्चे विकास तब अच्छा होगा जब आप अच्छी चीज़ें लेंगे, हेल्दी चीज़ें लेंगे, और ऐसी चीज़ें लेंगे जिससे कि आपके बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिले। और आपको मालूम है कि खाने में क्या होता है, आपका अनाज होता है, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, दूध, मक्खन, दही, और जो भी हेल्दी चीज़ें होती हैं। अगर आप अंडा वगैरह खाती हैं तो अंडा है, मांस वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपको खाना है। अब अनहेल्दी क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं, बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, चाट पकौड़े, ये सारी चीज़ें खाती हैं, तो इनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो ये बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हेल्दी चीज़ें खाइए ताकि आपके बच्चे का विकास अच्छा रहे और आपका बच्चा अच्छे से हलचल करें। और हाँ, देखिए, बहुत सारे महिलाएं टाइम पे नहीं खाती हैं, क्योंकि देखो अगर आप टाइम पे खाएंगे तभी आपके बच्चे को पोषक तत्व मिलेगा। मान लो कि आप खा तो हेल्दी चीज़ें रहे हैं, लेकिन जब खाना जब खा नहीं रहे हैं, आपको सुबह टाइम पे नाश्ता करना होता है, तो आप सुबह टाइम पे नाश्ता नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा। जब आप खाएंगी तभी बच्चे को एनर्जी आएगी, तभी बच्चा आपका हलचल करेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद बच्चा बहुत हलचल करता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे को एनर्जी मिल जाती है। तो इसीलिए टाइम पे खाना खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए एक साथ बैठ के, थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन टाइम पे खाइए। टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं टाइम पे खाइए और संतुलित मात्रा में खाइए, तो आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा और बच्चा अच्छे से हलचल करेगा। इसके बाद देखिए, अगर आप सही तरीके से नहीं लेटती हैं तो ऐसे में भी आपके बच्चे के हलचल पर असर पड़ती है। कैसे पड़ती है? देखो, अगर आप पीठ के बल सोती हैं तो ऐसे में आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं कर पाता, क्योंकि पीठ के बल सोने से आपके बच्चे के शरीर में ठीक से ब्लड फ्लो नहीं होता, ठीक से बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में ना आपको ज़्यादातर करवट से सोना चाहिए, और ख़ास तौर से बाईं करवट यानी कि लेफ़्ट साइड सोना चाहिए। लेफ़्ट साइड सोने से क्या होता है कि आपके बच्चे के शरीर में ठीक से ब्लड फ्लो होता है, बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलता है, बच्चे को ठीक से जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाता है और बच्चा अच्छे से हलचल करता है। अच्छे से हलचल करेगा तभी बच्चे का विकास अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने सोने का भी ध्यान रखिए, आप किस तरीके से लेट रही हैं, किस तरीके से सो रही हैं। अगर आपको पीठ के बल सोना ही है, लेटना है, तो थोड़ी बहुत देर लेट जाइए, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर आप लेफ्ट साइड लेटिए। इसके अलावा एक गलती होती है पेट पर दबाव देने से। अगर मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, ऑफिस का काम है, आप पेट दबा के बैठी हुई हैं, तो बच्चा कैसे हलचल करेगा? बच्चे को
खुला हुआ स्पेस चाहिए जिसमें कि वो अच्छे से हलचल कर सके। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप बैठ रहे हैं तो भी आपका पेट नहीं दबना चाहिए, काम कर रहे हैं तब भी आपका पेट नहीं दबना चाहिए, आप लेट रहे हैं तब भी आपका पेट नहीं दबना चाहिए। इसके अलावा देखिए, नेगेटिव रहने से, नेगेटिव सोचने से और तनावग्रस्त रहने से, अगर आप प्रेगनेंसी में तनावग्रस्त रहती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, टेंशन में रहती हैं, तो ऐसे में भी आपका बच्चा हलचल कम करता है। माना जाता है टेंशन लेने से आपके बच्चे के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन चला जाता है जो कि आपके बच्चे को अंदर से बीमार कर देता है। अगर आप भी टेंशन में रहती हैं तो आपने देखा होगा कि आप पे उसका कितना बुरा असर पड़ता है, आपका खाने का मन नहीं करता, मन चिड़चिड़ा रहता है। तो ऐसे ही सेम आपके बच्चे के साथ होता है, आप खुश रहती हैं तो बच्चा खुश रहता है, आप दुखी रहती हैं तो बच्चा दुखी रहता है, बच्चा दुखी रहता है तो आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं करता। ऐसा ही माना जाता है कि टेंशन लेने से आपके बच्चे तक जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स पहुँच जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे तक स्ट्रेस का हार्मोन्स पहुंचे, ना कि आपके बच्चे तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचे। तो जरूरी पोषक तत्व पहुंचना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना होगा, तभी आपका बच्चा ठीक से हलचल करेगा और उसका विकास अच्छा रहेगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, है ना, और खुश रहने की कोशिश करो। इसके अलावा कुछ महिला एक गलती ये भी करती है कि वो ठीक से पानी नहीं पीती है। अगर आप ठीक से पानी नहीं पीते हैं तो ऐसे में आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी की थैली में पानी की कमी हो सकती है और आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं कर पाता, कई बार बच्चा उसमें फंस जाता है, घूम नहीं पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक तरीके से पानी पिए। पानी के साथ साथ आपको ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेनी हैं, जूस ले लीजिए, नारियल पानी, नींबू पानी, जल जीरा या फिर जो भी आपको लिक्विड चीज़ें पसंद हैं आप उनको लीजिए, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना रहे और आपका बच्चा ठीक से हलचल कर पाए। इसके अलावा एक कारण होता है संक्रमण की वजह से। अगर आपको शरीर में कुछ भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाइए। मान लीजिए कि अगर आपको UTI की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन बच्चे तक भी पहुंच जाता है तो बच्चे को काफ़ी खतरा हो सकता है। तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। तो आपको लगता है कि यूरिन करते समय कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी है, खुजली की, रैसेस की, गंदी स्मेल आ रही है आपके यूरिन से, आपके वाइट डिस्चार्ज से, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। पेट में दर्द रहता है, लगातार रहता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। यानी कि संक्रमण की वजह से बच्चा कई बार हलचल नहीं करता है, कई बार बच्चा बीमार पड़ जाता है। अगर आपको बुखार मान लो कि लग गया है तो ऐसे में आपके बच्चे को बुखार होने की संभावना रहती है, बच्चा भी आपका कमज़ोर सा हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे भी ठीक से हलचल नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपनी बीमारी का ध्यान रखें, क्योंकि आप बीमार हो जाएंगे तो बच्चा बीमार हो जाएगा और वो हलचल कम करेगा। इसलिए आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, डॉक्टर के संपर्क में रहना है, ताकि भाई कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसका इलाज हो सके और आपके बच्चे पे उसका असर ना पड़े। इसके अलावा देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे ना रात में ज़्यादा हलचल करते हैं। जब आप सो जाते हैं तो बच्चे बहुत हलचल करते हैं, आपको पता नहीं चल पाता, लेकिन जब आप दिन में जगी रहती हैं तो आपका बच्चा हलचल कम करता है और आपको लगता है कि मेरा बच्चा हलचल ठीक से नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका बच्चा हलचल करता है। कुछ बच्चे रात में ज़्यादा हलचल करते हैं, कुछ बच्चे दिन में ज़्यादा हलचल करते हैं, तो आपका बच्चा कभी भी ज़्यादा हलचल कर सकता है, दिन में भी रात में भी। इसलिए टेंशन मत लीजिए। आपको ध्यान किस बात का रखना है कि आपका बच्चा ना लगभग 2 घंटे में 10 से 12 बार किक करे। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां या फिर 9वां महीना चल रहा है तो हो सकता है कि समय आपका बच्चा कम घूमे, कम हलचल करे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, पेट में ज़्यादा जगह नहीं रहता, जिस वजह से कि आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है। लेकिन जब भी आपका बच्चा किक करेगा ना, बहुत ज़ोरदार करेगा, आपको बहुत ही अच्छे से महसूस होगा कि मेरे बच्चे ने लात मारा है। और हाँ देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन एंटीरियर है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लेसेंटा आगे की ओर है, तो बच्चा पीछे रहता है। तो जब बच्चा पीछे रहता है ना, तो बच्चे की लात आपको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर बच्चा डायरेक्ट आपको किक करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन बीच में प्लेसेंटा का दीवार है तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आपको बच्चे की हलचल थोड़ी सी कम महसूस हो सकती है। तो प्लेसेंटा के पोजीशन से भी आपका बच्चा कम हलचल या ज़्यादा हलचल कर सकता है। पोस्टेरियर है तो आपको ज़्यादा हलचल महसूस होगी, एंटीरियर है आगे की ओर है तो कम हलचल महसूस होगी, ठीक है, ये भी बात है। बाकी देखिए, अगर आपका बच्चा एकदम से ही अचानक से ही बहुत कम हलचल कर रहा है, मान लीजिए कि पहले तो बहुत सही हलचल कर रहा था लेकिन एकदम से ही कम हलचल कर रहा है, तो आपको घबराना है। या फिर मान लीजिए कि आपका बच्चा एकदम से बहुत ज़्यादा हलचल करने लग गया है, पहले ठीक ठाक कर रहा था लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करना है। या फिर बच्चे ने बिल्कुल हलचल करना बंद कर दिया है तो भी आपको डॉक्टर से बात करना है। बाकी मैंने आपको जो कारण बताया है, जो गलती बताया है, उसको मत कीजिए, क्योंकि ये करने से आपके बच्चे सच में हलचल कम करते हैं और आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। तो अपनी गलती को सुधार लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।